खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही, बात जैनब की थी अब्बास से टाली ना गई, खुद लगाए थे। एक मंजिल आती है और यहाँ किसी ना किसी को तो पढ़ना होता ही है, वो हमारा नंबर है। बहरहाल आपके नज़दीक पहुँचने की कोशिश करते हैं भाई, अगर ये खला भर देंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से सुनना चाहें सुनिएगा। अब रजी की कैफियत से तो भाई मैं डांट के बुला नहीं सकता आप लोगों को, मैं तो मोहब्बत से ही कह सकता हूँ। अरे आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए रजी भाई ने और खुर्शीद भाई ने जो एक साथ पढ़ा, मतलब एक के बाद एक, उसमें एक खास बात ये थी डॉक्टर नैयर साहब कि रजी बिस्वानी किसी जमाने में तरन्नुम से अब तहत पे आए हैं। अच्छा अच्छा, रजी बिस्वानी तरन्नुम से शुरू हुए थे, तहत पे आए हैं, और खुर्शीद भाई तरन्नुम से तहत पे आ रहे थे। देखिए कितनी मुमासलत थी दोनों लोगों में एक साथ पढ़ने की। मैं खुर्शीद भाई आपके जश्न से मरबूत करता हूँ बात को ना, रुको यार। हाँ। खुर्शीद भाई यहाँ ये हम आ जाइए यार। अरे जिसके तुम्हारे जैसे दोस्तों से दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। दो मतले पढ़ता हूँ आपके जश्न से मरबूत करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। आपके जश्न का उन्वान है सब्र व शजाअत। एक मतला पढ़ता हूँ सब्र के हवाले से और दूसरा मतला पढ़ूंगा शजाअत के हवाले से, और यहीं से मेरे साथ जुड़ के चलिएगा। थोड़ा सा मूड बना दीजिए, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना है, लेकिन पहले मिसरे से अगर आप मेरे साथ हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतला गुजारिश करता हूँ, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, जिस मूड से मैं पढ़ने आया हूं, मैं मौला से दुआ करता हूं कि मेरे लहजे में वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए और आप उस कैफियत से सुन ले जिस कैफियत से मैं पढ़ने आया हूं। आमीन। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए। भाई नैयर वाला काम मत कराओ मुझसे, जो नैयर अभी चितौड़े में करके आए हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो रहो। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। सुभान अल्लाह, हो गई महफिल। अली के गैस को सलामत रहिए, सलाम करता हूँ आपके साथ। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। सब्र के मतले का इस्तकबाल किया आपने, शजाअत का मतलब पढ़ता हूं, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर है ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए। चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन। सलाम आपके ज़ौक़े समाज को। मोहब्बत 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 मोहब्बत, जर्रा नवाज़ी। नारे हैदरी, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब। अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूँ, यकीनी तौर पे आपने शायरी की हिफाजत कर ली, हौसला दे दिया इस खाकसार तालिबेल को। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़े समात को, चले जो मौत की, बेटे
या मैं कह रहा हूँ नैयर ने जो काम चितौड़े में कराओ मुझसे मत कराओ, मेरी तरफ देखते रहो। अली के गैस को खुलके हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर है ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास। पता नहीं कहोगे आप गजब की प्याली मेहंदी भाई, ये शेर आपकी नजर करता हूँ और आपके तवसुल से मोमिनीन तक पहुंचाता हूँ। गजब की प्यास में भी, कैसे पढूं मिसरा, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गजब की प्यास में जिंदाबाद जिंदाबाद सलामत रहिए, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में। ये शेर फिर पढ़ो, गर्दन में हार डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हार डाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। एक अजीब कैफियत का शेर है, बिल्कुल जोर लगा के नहीं पढ़ूंगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देता हूं, और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है यह आपका पार्ट है। हदीया समाप्त करता हूं। खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन। मुझे नहीं मालूम कैसे सुनेंगे आप, मैं पढ़ूंगा ऐसे ही। वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, वहां से लाए हैं इस्लाम का क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए, खुद अपने वक्त के हैदर हैं सैयद सज्जाद, खुद अपने वक्त के हैदर है सैयद सज्जाद, असीर हो के भी है मोर्चा संभाले, खुद अपने वक्त के हैदर है सैयद सज्जाद। खुद अपने वक्त के हैदर हैं सैयद सज्जाद, खुद अपने वक्त के हैदर हैं सैयद सज्जाद, असीर हो के भी हैं मोर्चा संभाले हुए, असीर हो के भी हैं मोर्चा संभाले हुए, असीर हो के भी हैं मोर्चा संभाले हुए, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, हुसैन हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। एक मतला और एक शेर शहजादे के हवाले से पढ़ता हूँ, और एक शेर फिर आपके जश्न से मरबूत करता हूँ। आसमान शजात का मेराज सब्र एक शेर के अंदर पेश करूँगा, और वही शेर सुनाना है, मतले और शेर का सहारा लेके उस शेर तक पहुँचता हूँ। शेर ये भी अच्छे हैं, आप हिफाजत कर लेंगे तो आपके जौक समात को सलाम करूँगा। मतला गुजारिश करता हूँ। जरब बेशीर की मैदान में खाली न गई, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, यकीनी तौर पे बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई, ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, ये वाली दाद नहीं चलती मुझे कि यूं बोले और यूं खत्म, ना, दाद की गूंज को बरकरार रखिए,
अपनी शराख्त को बरकरार रखिए, जो आमहट की दाद है, जो गूंज है आपकी दाद की। ज़र्बे शीर की मैदान न खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। कैसे सज्जाद की जरा जुड़िएगा स्टेज मेरे साथ, सुनिए आखिरी सब तक शेर हाजिर करता हूं। ये शेर उन लोगों की भी नजर करता हूं जो महफिल देखने आए हैं। दो तरीके के सामईन होते हैं, एक वो जो महफिल सुनते हैं, एक वो होते हैं जो महफिल देखते हैं। जो महफिल देखने आए वो भी सुने, और वो लोग भी सुने जो इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई बहुत अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। उनकी नजर करता हूं ये शेर। ज़र्बे शीर की मैं आसमान शजात का मेराज सब्र, हदिया समाप्त करता हूं एक शेर के अंदर, और यादगार शेर हो सकता है बशर्ते कि आप उसे मोहब्बत से सुन लेते हैं, क्योंकि अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है। आप उसे मोहब्बत से सुन लेते हैं तो वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये शेर हाजिर करता हूं, ये इस जश्न का यादगार शेर हो सकता है अगर आप इसे मोहब्बत से सुन लेंगे तो। ज़र्बे शीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, मुतवज्जे है ना, पढ़ दूं शेर, इजाजत है? कहां तक आवाज जा रही है एक बार हाथ उठा के बता दो मुझे। सबको आवाज आ रही है? बस आपकी अगर 25% भी आ जाए मेरे तक तो मेरा मूड बन जाएगा, थोड़ी और बेहतर खिदमत कर दूंगा। ज़र्बे शीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। मिजाज समझ लीजिए मिसरे का। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। बात जैनब की थी, अब्बास से टाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। बात जैनब की थी, बात जैनब की थी, अब्बास से टाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। बात जैनब की थी, अब्बास से टाली न गई। बात जैनब की थी। एक कथा पढ़ता हूँ, उसके बाद एक दो एक मतले के साथ एक छोटी सी मंतबत पढ़ के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, और ये कथा नहीं पढ़ूंगा तो मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। इमाम अली मकाम से गाजी अब्बास अलमदार ने ये वसीयत की कि आका मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा। मैं मसाइब की सख्त तरीन मंजिल से फजाइल का एक ये पहलू निकाल के लाया हूँ, पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। गाजी अब्बास अलमदार ने इमाम अली मकाम से ये वसीयत क्यों की कि मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा, मसाइब की सख्त तरीन मंजिल से एक फजाइल का गोशा है। हदिया समात करता हूँ सुल्तानपुर की सरजमीन पे। ये बैनुल हरमैन का जश्न है, इस यादगार जश्न के अंदर ये मिसरे आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ, या यूँ कहूँ कि अपना दिल आपकी हथेली पर रख रहा हूँ इन मिसरों की शक्ल में। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया। वाह वाह। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया। एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, जरा जाग के सुनिएगा। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया। एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। उसने ये वसीयत सोच के की, खेमे में ना लाशा ले जाना। एक पल को भी कोई कह ना सके, अब्बास ने दरिया छोड़ दिया। उसने ये वसीयत सोच के की, खेमे मोहब्बत मोहब्बत जर्रा नवाजी। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया।
एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। उसने ये वसीयत सोच के की, खेमे में ना लाशा ले जाना। एक पल को भी कोई कह ना सके, अब्बास ने दरिया छोड़ दिया। एक पल को भी कोई कह ना सके। अरे खुर्शीद भाई, आपके मतलब से एक शेर याद आ गया, पढ़ लूँ आपकी इजाज़त हो तो। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया। एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। उसने ये वसीयत सोच के की, खेमे में ना लाशा ले जाना। एक पल को भी कोई कह ना सके, अब्बास ने दरिया छोड़ दिया। एक पल को भी कोई कह ना सके, अब्बास ने दरिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई ने एक यादगार मतला पढ़ा और यकीनी तौर पे मुझे बेपना पसंद है उनका वो मतला, मैं दोहरा देता हूं। क्या है खुर्शीद भाई? मौलाए कायनात की दुनिया को क्या बताऊं भला क्या हुसैन है, मौलाए कायनात की दुनिया हुसैन है, मौलाए कायनात की दुनिया हुसैन है। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक सर्वे किया, उनसे पूछा कि बताओ मौलाए कायनात अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे। तो मेरे 90% साथियों ने मुझे ये जवाब दिया कि मौलाए कायनात गाज़ी अब्बास अलमदार से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसकी दलील ये है कि मौलाए कायनात ने गाज़ी अब्बास अलमदार को अपनी दुआओं में परवरदिगार से मांगा था। मैंने कह दिया गलत जवाब। शब्बर कैमरे का मुंह खोल देना, जितने लोग नाराज होंगे उन्हें भी सलट लिया जाएगा, जितने खुश होंगे उनसे हाथ तो मामला हो ही जाएगा। अभी बात पूरी होने से पहले गुस्सा मत करिएगा। मैंने सबसे कह दिया गलत जवाब। ये बात ठीक है कि मौलाए कायनात ने गाजी अब्बास अलमदार को दुआ में मांगा, बट क्यों मांगा? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? जब तुम्हें पता मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा मेरे साथ? जब मैं दिल से आपको सुना रहा हूं तो दिल से सुनो ना। कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शजाअत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शजाअत के लिए मांगा था? जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन। हो गई महफिल। जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए। जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन। नारे जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। मेरी नियत तो कोई और मनकबत पढ़ने की थी, लेकिन अली मेहंदी भाई ने सारे रास्ते मुझे एक मनकबत की फरमाइश की है और ये यकीनी तौर पे उत्तराखंड से सिर्फ ये महफिल सुनने के लिए लंबा सफ़र करके आए हैं। हमारे करम फरमा है, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनकी फरमाइश के एहतराम में मैं ये मनकबत पढ़ता हूँ और आज की अदम ये आखिरी गुफ्तगू है। लेकिन लगे ना कि मेरी बात यहाँ ख़त्म हो रही है, ऐसा लगे कि मेरी बात यहाँ से शुरू हो रही है। मतलब गुजारिश करता हूँ, तुझको मिल जाएगा जन्नत का किबाला पहले, तुझको मिल जाएगा जन्नत का किबाला पहले, तुझको मिल जाएगा जन्नत का किबाला पहले। मालिक राम इसरा यार, इतनी मोहब्बत से सुना रहे, तुम हमारी तरफ देखते रहो, ऐसा मत करो। तुम्हें पता जब हमारा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा? मुल्ला रजी की तरह डांट के तो सुना नहीं सकते हम। देख रहे हैं ना, पढ़ो। तुझको मिल जाएगा जन्नत का किबाला पहले। कितनी बार पढूं मिसरा?
तुझको मिल जाएगा जन्नत का। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम बैनामा कहते हैं, वही क़िबाला होता है। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल, बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल। घर से अल्लाह ने मरियम को, पता नहीं कहोगे आप, बाद में मादर हैदर का किया इस्तकबाल। घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले, कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन, कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन। ऐसा न लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे मेरी बात शुरू हो रही है। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन, सात नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो शेर पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती हदिया समाप्त करता हूँ। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन, सात नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। फतेह शब्बीर से मुतवज्जे है ना, दो शेर और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। ये ना लगे कि बात खत्म हो रही है, लगे यहाँ से बात शुरू हो रही है। स्टेज भी हो जाए जरा मेरे साथ। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने लेकिन, सात नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना। मुतवज्जे हैं, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। फतेह शब्बीर से कान, अली मेहंदी भाई तुम्हारी फरमाइश ना होती तो मैं लड़ पड़ता इनसे इस वक्त। फतेह शब्बीर, मुझे दरअसल फरमाइश पढ़ने में प्रॉब्लम यूँ नहीं होती है कि या तो सामईन मोहब्बत से सुन लेते हैं, कोई बात नहीं है, वरना मैं फरमाइश करने वाले से पैसे ले लेता हूँ, मेरे साथ ही रहेंगे, मैं कर लूँगा इनसे हिसाब, कोई मसला नहीं है। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था। ये आज़ादारी चितौड़ा के कैमराज लगे हैं, ये गवाही दे देंगे कि अब तक जितनी जगह इन्होंने इस शेर को कवर किया है, सबसे कम दाद आपने दी है, तो ये नाइंसाफी आपके हिसाब में लिखी जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में, हाय हाय, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला पहले। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में। नारा हैदरी, हैदरी। हजरत अब डेढ़ शायर कह लीजिए या सवा शायर कह लीजिए साहब, मैं ज्यादा नहीं आपको। देखिए महफिल बहुत कामयाब हुई, मौसम की नासाजी के बावजूद आप ये देखिए, ये बैठ आप, ये भीग गया है पूरा, ये जो गद्दे हैं और ये दरी है और चांदनी है और खुनकी मौसम की देखिए आप, उसके बावजूद और ये रजब से जागते हुए शोरा हैं। बस एक दो महफिलें और बची हैं। आइए हजरात, अब मीसम गोपालपुरी तो खैर ऐसा नाम है कि चाहे जब मख्ता बनाओ वो महफिल को मतला बना देता है, ये उसका हुनर है। लेकिन उसकी पेशानी के लिए मैं शेर नहीं पढ़ूंगा, एक ऐसा शायर आपके सामने पेश करूंगा जिसका अंदाज यह है कि अब हर दौर के लिए कोई ना कोई ऐसा शायर, ऐसा लहजा होना चाहिए। देखिए मिजाज कैसे पैदा किया जाता है, दो मिसरे में पढ़ रहा हूँ। जहरा का दर जलाया तो दोजख तुझे मिली। कुछ लोग दोजख से भी ज्यादा खराब होते हैं, आप देखिए दोजख से ज्यादा, जैसे है ना देख से ज्यादा चमचा गरम, वैसे ही वाला दो शख्स ज्यादा है देखते हुए। जहरा का दर जलाया तो दोजख तुझे मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को तू मिला। अरे यार मिसरा पढ़ दिया मैंने, जहरा का दर जलाया, अन्ना यार मिसरे मजा नहीं आया। दोजख का, जहरा का दर जलाया तो दोजख तुझे मिली,